हमने रैली निकालनी थी, निकालने का ऐलान किया, ये जो पहले निकालनी थी ये वही रैली है। वो रैली जब रोकी गई तो उसका नतीजा जिले शाह की कस्टोडियल कत्ल की सूरत में निकला, और उस कत्ल के जो आप उसके ज़ख्मों के निशान अगर देखें और साथ अरशद शरीफ शहीद के ज़ख्मों के निशान आप रखें तो आपको पता लगेगा कि एक ही तरीका है वारदात इस्तेमाल हुआ है। उसको लाहौर हाई कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस ली तो इन्होंने कहा जी हम ये विड्रॉ करते हैं पाबंदी। वही पाबंदी दूसरी अदालत लाहौर हाई कोर्ट है जिसकी लेटर एंड स्पिरिट में जिसके ऑर्डर की तमस्कर उड़ाया गया है, और कोई परवाह नहीं ये कर रहे आइन की और इस मुल्क के निज़ाम की, जमहूरियत तो है ही नहीं। तो आपने इससे पहले जो एक्शन देखा था जैनब केस में, उस वक्त जो शहबाज की स्पीड लगी हुई थी पंजाब को, अब जो 11 महीने में स्पीड ने जो आज हमारा असर कर दिया पूरे पाकिस्तान का, अब लोग सब्जी खरीदने के लिए भी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उस रेट पे मिले कि हांडी तो पक सके, आटा खरीदने के लिए जो फूड बास्केट है पाकिस्तान की और एशिया की कहते हैं पंजाब, उसके अंदर जो इफ्फत माब खवातीन हैं वो भी लाइन में लगी हुई है, धक्के खा रही हैं। तो जो हमने दरख्वास्त की है उसके चार हिस्से हैं। एक हिस्सा ये कि फौरी तौर पे इजाज़त दी जाए आज की रैली करने की, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। कब इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन गुजर जाने के बाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दफा 144 के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इमरान खान के खिलाफ मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुसलसल थ्रेट है, और मुसलसल थ्रेट हमें कौन बताता है? हुकूमत बताती है। हमें कौन बताता है? जिनके पास थ्रेट अलर्ट आते हैं वो हमें बता रहे हैं सारे, और खुल के बता रहे हैं, कुछ छुप के नहीं, कान में नहीं बता रहे। तो वो जिनके कान में बता सकते हैं उनको पता नहीं क्या बता रहे हैं। कोई और बोला था आपने? नाम लिया? मैंने नाम नहीं लिया था। दो को मैंने कहा बुलाया गया तो आपने, मैंने साथ ये कहा था ये हुकूमत के हामी है, आपने नाम लिया, आपका शुक्रिया। देखें जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक नहीं है, वो दस्ते कातिल पे, कफे कातिल पे या खंजर पे, शायर ने कहा हुआ है, तीनों जगह जहाँ किसी मजलूम का खून होगा ज़मीन पे गिर जाए तो वहाँ भी जम जाता है। ये खून बोला है और बता रहा है, खून निशानदेही कर रहा है कि कौन इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर है, कौन इस ड्रामे को जो जिसको मैंने नाम दिया है कि इट इज़ कवर अप डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन अच्छा नहीं लगा आपको? ये जो कवर अप डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन की जो कल आपने देखा स्क्रिप्ट राइटर है खातून, उसकी आवाज़ सामने आई, साथ उसके कोई अंकल हैं परवेज, एक परवेज तो रुखसत हो गए, मुझे नहीं पता ये दूसरे कौन से हैं जो, आई होप के ये वो नहीं है जिनको वजीर से हटाया गया था कि वो लीक करते रहते हैं चीज़ें। और फिर उसके जो फाइनेंसर हैं वो उसके अबू हैं, और उसका जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो उसका चाचू है, और उसमें जो दो अदाकार आए थे, एक अदाकार ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तुम्हें तो इतना नहीं पता कि वो FIR भी ठीक नहीं है, डॉक्टरी बाद में करना, IG पहले बनो, FIR खारिज करो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। PTI रैली पर दफ़ा 144 का निफाज गैर कानूनी है, जबकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुहिम तहरीक इंसाफ का आइनी हक है।